बूढ़े आदमी की खुशी का राज। किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह दुनिया के सबसे दुर्भाग्यशाली लोगों में से एक था। पूरा गांव उससे परेशान था। वह हमेशा उदास रहता था। वह लगातार शिकायत करता था और हमेशा बुरे मूड में रहता था। उम्र बढ़ने के बाद उसके शब्द और जहरीले होते जा रहे थे। लोग उससे बचते थे क्योंकि उसकी शक्ल देखते खुद का मूड भी खराब हो जाता था। लेकिन एक दिन जब वह 80 साल का हो गया तो एक अविश्वसनीय बात हुई। लोगों को ये सुनने में आया कि बूढ़ा आदमी आज खुश है। वह किसी भी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं कर रहा है, मुस्करा रहा है और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी चमक रहा है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सभी इस बदलाव के पीछे के कारण को जानने के इच्छुक थे। ग्रामीणों ने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा आपको ये क्या हो गया? आप में इतना बदलाव कैसे आया? बूढ़ा आदमी बोला, कुछ खास नहीं, 80 साल तक मैं हर चीज़ को ठीक करने में लगा रहा। हर वक्त खुशी ढूंढने के पीछे भाग रहा था, लेकिन यह बेकार था। और फिर मैंने खुशी के बिना जीने का फैसला किया और वर्तमान जीवन का आनंद लेना शुरू किया है। इसलिए मैं अब खुश हूँ।